पिछली डॉक्यूमेंट्री में आपने दिल्ली के गांव रिठाला के इतिहास को जाना। एक ऐसा गांव जिसका सैकड़ों वर्षों का गौरवपूर्ण शौर्यपूर्ण इतिहास है, लेकिन किसी को उसका पता ही नहीं था। रिठाला पर बनाई मेरी इस डॉक्यूमेंट्री को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, जिसके लिए मैं सचिन सिंह गौर आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस बार की डॉक्यूमेंट्री भी बिल्कुल अलग है। इस बार की डॉक्यूमेंट्री का विषय भी बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इस बार मैं आपको लेकर चलूंगा दिल्ली में यमुना के तट पर और दिखाऊंगा किस प्रकार हमारी आस्था ही यमुना के लिए श्राप बन रही है। जीवनदायिनी यमुना गंगा के बाद हमारी सबसे पवित्र नदी है, जो दुर्भाग्यवश आज देश की सबसे प्रदूषित नदी भी बन चुकी है। दिल्ली में तो ये स्थिति है कि इसे मृत घोषित किया जा चुका है, जहाँ इसका ऑक्सीजन लेवल जीरो है। दिल्ली में यमुना के पानी में बर्फ के पिंडों की तरह झाग तैर रहे हैं। नदी में जल के स्थान पर केवल नाले का पानी ही दिखाई देता है। जानकार कहते हैं कि यदि ये नाले यमुना में आकर ना मिलें तो यमुना पूरी तरह से सूख जाएगी। पानी अत्यधिक जहरीला हो चुका है, उसके बाद भी आस्थावान लोग बच्चों सहित न केवल इसमें डुबकी लगा रहे हैं बल्कि कचरा फैलाकर इसे प्रदूषित भी कर रहे हैं। सरकारों, राजनेताओं तथा धार्मिक लोगों की असंवेदनशीलता से निजी स्तर पर यमुना सफाई में कार्यरत लोग भी अब निराश दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों में यमुना का प्रदूषण का स्तर बहुत तेजी से बढ़ गया है। अभी कोई ये कह दो कि 4-5 साल के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई यमुना जी के अंदर। पहले थी गंदगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब इसका असली कारण क्या है ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। 20 वर्षों से यमुना की सफाई कर रहे अशोक उपाध्याय भी ऐसा ही मानते हैं। वह प्रतिदिन 5 से 6 घंटे यमुना तट पर रहते हैं और कचरा साफ करते हैं। उन्हें लोग यमुना मैन के नाम से भी जानते हैं। मैं करीब 20 साल से यमुना जी की सेवा कर रहा हूं। पहले मैं इसकी प्लास्टिक को उठाता था पुल के ऊपर पे, धीरे धीरे नीचे शुरुआत हो गई और इसको घाट को मैं नित्य सुबह 6:30 से लेकर के 10 बजे तक और शाम को 4:30 से लेकर के 6:30 बजे तक नित्य यमुना जी की सेवा करता हूँ। वृक्ष जो हमने पेड़ लगा रखे हैं उनको पानी देता हूँ और इसी तरीके से हमारी ये 20 साल से सेवा चल रही है। और इसके नदी के घाट की सफाई में तो मैं उतना कामयाब नहीं हुआ, मगर यमुना तट की हरियाली में जरूर मैं कामयाब हो गया हूँ। यमुना के प्रदूषण का मुख्य कारण घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है, लेकिन धार्मिक गतिविधियों से उत्पन्न हुआ कचरा भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। पूजा पाठ के अतिरिक्त लोग यहाँ तंत्र मंत्र और उतारा भी करते हैं। अब यमुना में शराब चढ़ाने की एक नई कुप्रथा भी जन्म ले चुकी है। विडम्बना है कि जिस नदी को हम माता और देवी मानते हैं उसे ही शराब से अपवित्र भी करते हैं, और ऐसा करने में तथाकथित रूप से शिक्षित और आधुनिक लोग भी पीछे नहीं हैं। आज हम यमुना को पूजा कचरा घर बना उसका दम घोट रहे हैं। दिल्ली के लोगों के द्वारा करीब करीब यमुना जी में मेरा अनुमान है कि 1 लाख kg प्रतिदिन पूजा कचरा गिरता है और लोग अपने घर की पूजा सामग्री यहाँ पर लाते हैं और उसका यहीं पर प्लास्टिक डाल जाते हैं, पूजा कचरा डाल जाते हैं। आज ये शनिवार है, इस घाट पे करीब करीब 5,000 आदमी आता है। अब 5,000 आदमी प्लास्टिक छोड़ता है, अपने घर को का पूजा कचरा, ये बहुत बड़ा एक विषय है पूजा कचरा दिल्ली के अंदर। इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए गंभीरता से, इस पूजा कचरा का क्या हो। और एक नई प्रथा शुरू हो गई है यमुना जी पे शराब चढ़ाने की, और लोग पहले वस्त्र ही छोड़ते थे। और यहाँ सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी है और वहाँ पर कुछ होता है तो यहाँ पर क्रियाक्रम सारा यहाँ पर करते हैं घाट पे, और वो सब अपना पूजा करते हैं और पूजा के बाद जो वो प्लास्टिक की थैलियाँ बोरी सब यहीं पर छोड़ जाते हैं। तो यमुना दिल्ली के लिए एक पूजा कचरा घर बन गई है, एक डंपयार्ड बन गई है। और समाज, जब समाज इस तरह से उदासीन है तो सरकार की तो मौज है।
यदि कथित रूप से शिक्षित और आधुनिक होकर भी हमें ये नहीं पता कि हमें अपना पूजा सामग्री का निस्तारण कैसे करना है, तो कम से कम इस अनपढ़ गोताखोर से ही सीख लें। सबसे मेन चीज़ क्या है, जो लोग बाग पूजा पाठ करते हैं, सही है, उसकी कई तरीके की सामग्री होती है। वो सामग्री चाहे धूपबत्ती अगरबत्ती की है, हवन की राख है, वो चाहे तो उसको पेड़ पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं, वो खाद का काम करेगी। फूल है, उनको सुखा लें, सुखा के किसी भी क्यारी में डाल दें तो उससे नया पौधा उग जाएगा। फोटू है, फोटू ऐसे खरीदे जो लंबे समय तक चले, जैसे किसी भी चाहे धातु के छोटे ले ले, कोई भी मूर्ति है, फोटू है, वो लंबे समय तक चलेगी, उसको जल्दी आदमी विसर्जन में नहीं करेगा। प्लास्टिक की है, फाइबर की है, या मान लो चौक मिट्टी की आती है, ये क्या है, कुछ समय बाद आदमी का ही हाथ इधर उधर लग जाता है तो वो मूर्ति खंडित हो जाती है कहीं ना कहीं से। तो उस कारण लोग बाग वो सस्ती भी आती है और फिर जल्दी जल्दी ला के उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरी नई ले आते हैं, उसके कारण भी गंदगी होती है। फिर जो दीपक जो जलते हैं वो वेस्ट है, मिट्टी के हैं पर कच्ची मिट्टी के नहीं होते, वो जमुना जी में घुलते नहीं हैं, उसका डस्ट मैंने बहुत बहुत निकाला है, ठोकरे बना रखी है, यहाँ पर बैठने की पिचिंग है उसके अंदर मलवा भर के। वहाँ से दुकानदार उनको कह देते हैं कि भाई ये मिट्टी के बर्तन घुल जाएंगे, पर ये बर्तन जो है जो घुलेंगे, जहाँ पानी बहुत तेज स्पीड में चलता है वहाँ ये बर्तन घुलेंगे, यहाँ पानी चल नहीं रहा है, इसी मारे ये जो जहाँ आप जो डाल दोगे, चाहे मटका हो, चाहे दीपक हो, या कोई भी वस्त्र हो उसके मिट्टी के, वो यहीं के यहीं पड़े रहे।